अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब जी। तो मामा आ गई हैं इस वक्त एक्शन में, क्योंकि रातों रात तैयार करना है एक कॉस्ट्यूम पार्टी थी आइलाइजर की, जो कि पहले कैंसिल हो चुकी है कुछ मुल्क में हालात वगैरह की वजह से, और फिर अचानक अनाउंस हुई है। तो आई वाज वेरी रिलैक्स कि देख लेंगे क्या करना है, लेकिन अब बहुत अर्जेंट बेसिस पे ये मेरे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था। ये मैंने सॉर्ड एक बना रही हूँ, किंग्स एंड क्वींस है, तो एक बेबी हमारा किंग बनने लगा है और एक क्वीन बनने लगी है। और हुआ ये कि लास्ट टाइम जब ग्रैंड पेरेंट्स डे का व्लॉग था, सबको बहुत पसंद आया इनका गेटअप भी और सब, तो उस वक्त आयजा जो है वो ग्रैंडफादर बनी थी। तो अब आयजा ने ही कहा कि क्योंकि मैं ग्रैंडफादर बनी थी, तो फिर आयला जो है वो इस दफ़ा किंग बनेगी और मैं क्वीन बनूंगी। तो एनीवेज़ हम ये देखें, मैं सॉर्ट रेडी करी हूँ। ये मेरे पास ग्लिटर शीट है, इसको मैंने डबल रख के सॉर्ट कट किया और फिर एक जगह से अटैच छोड़ के अंदर स्टिक लगा दी ताकि थोड़ी सपोर्ट मिल जाए और ये गिरी पड़ी सॉर्ट ना लगे। खैर, ये जल्दी जल्दी से इसको बनाऊँगी, क्राउन बनाऊँगी और क्वीन का हमारे पास सब चीज़ें रेडी है। मेरे पास क्राउन भी है और मेरे पास फ्रॉक भी है, एक लॉन्ग टेल वाला फ्रॉक है, टेल तो नहीं है लेकिन अच्छा लॉन्ग सा, उसका गुजारा हो जाएगा उससे पर हर। और ये जो एक टिपिकल किंग का कॉस्ट्यूम होता है, उसमें ब्लू शर्ट और रेड पीछे उसका हुड होता है, हैंग हुआ हुआ बैक साइड पे किंग का। और ये मैंने ग्लिटर शीट का ही एक पीस लेके उससे ही पैटर्न बना के जो उसकी शर्ट है मैंने फेल्ट शीट से बना ली है, शर्ट के ऊपर ही पहना दूँगी। ऐसी रेंडम साइक है, DIY में है बेसिकली ये, तो जितना जल्दी में मैं और दो चार मेरे पास चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा सिलाई वाला मेरे पास कोई सहूलत नहीं थी कर करा के, खैर मैंने ये बना लिया। और अब क्योंकि किंग का क्राउन और सब कुछ बन गया, तो जो क्वीन का क्राउन था मुझे बहुत सिंपल लग रहा था इस किंग के क्राउन के आगे, और अटायर बहुत एक टिपिकल लग रहा था, जबकि ये रेडीमेड वाला सीन था, इसलिए मैंने क्वीन का भी क्राउन बना लिया। और ये मेरे पास मेटल का क्राउन पे ही मैं पेस्ट कर दूंगी। और ये जो है हमारे बादशाह सलामत और मलके आलिया सो रहे हैं, बेसिकली जो है रियाया ही काम करती है, तो किंग्स एंड क्वींस तो रेस्ट करते ही हैं, इसलिए ये सो चुके हैं और मैं रिलैक्स होकर काम कर रही हूँ। और ये मैंने रेडीमेड सा एक क्राउन था बच्चियों का, उसी के ऊपर मैंने ये क्राउन लगा दिया ताकि दोनों ज़रा मैच भी करें और दूसरा दोनों का जो है ना ज़रा हाईलाइट हो जाएगा, अदरवाइज़ वो सिंप्लीफाई हो रहा था क्योंकि वाइट फ्रॉक है। खैर, आयजा आयला बहुत एक्साइटेड है, सुबह मिलेंगे कि क्या हालात है। हेलो, वी डोंट टेक यू ऑल डे। सॉर्ट का है? किंग एंड क्वीन आर गोइंग टू द स्कूल। नो, आफ्टर कैसल। कैसल में जा रहे हैं, बना रहे वहां से आई शो यू। तो जी, ये किंग का क्राउन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, अभी मैं जाकर एडजस्ट करूँगी। स्कूल में अटायर बना दिया, पहन लिया, बहुत खुश हो रही हैं दोनों। और जो मैंने पीछे हुड बनाया था वो दुपट्टे से बनाया था, जबकि मेरी फ्रेंड ने अरेंज कर लिया है, वो ख़ुद लेके आ रही है प्रॉपर एक हुड स्ट्रिच हुआ हुआ, वो मैं स्कूल जाके चेंज कराऊँगी। और ये दो तीन डायलॉग छोटे छोटे जो इनको लर्न कराए हैं स्टेज पे बोलने के लिए, और थोड़ा सा यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है किंग्स एंड क्वींस का, इंजॉय बहुत किया इन्होंने आज का डे, और बहुत क्यूट लग रही थी दोनों। आई होप आपको भी अच्छी लगी होंगी, और थ्रू आउट द डे फन होता रहा है, इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी और जो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराना था, टीचर्स का अपना सारा सेटअप था, और फिर हमारा किंग जो है वो हॉर्स पे भी बैठ गया है। आई होप आपको ये दिन पसंद आएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।